बर्थडे पार्टी में हुए विवाद के बाद दीपक को गोली मारी गई थी। रंगबाजी और गुटबाजी के चलते दीपक को गोली मारी गई थी। गुटबाजों की टोली को गिरफ्तार किया गया है। सभी रंगबाज नई उम्र के हैं। ये रंगबाजों की टोली है, ये गुटबाजों की गुट है। ये वो गुट है जिसने पिछले दिनों थाना हरी पर्वत क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के बाद दीपक नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। उम्र कम है लेकिन अपराध ऐसा जिसके चलते एक व्यक्ति की जान पर बनाई। पुलिस ने 10 लोगों को नामजद किया था। 8 रंगबाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी नई उम्र के हैं। अभी जिंदगी की ABCD नहीं सीखी लेकिन अपराध का पाठ जरूर सीख लिया। ये हरी पर्वत थाना क्षेत्र में रात्रि को गोली चली थी जो एक व्यक्ति को लग गई थी। उस संदर्भ में हरी पर्वत थाना में मुकदमा संख्या 345/22 लिखा गया। धारा 147, 48, 149, 504, 307 और 34 IPC में। जब पूरे मामले को पुलिस ने देखा और छानबीन की तो मामला कुछ इस तरह से निकल के आया कि दो मोहल्लों के दो गुटों के बीच रंगबाजी का मामला था, वर्चस्व की लड़ाई थी और उसी में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मारपीट किया करता था। उसी में दूसरे ग्रुप ने आकर इस ग्रुप के एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग कर दिया जिसमें वो घायल हो गया। इसमें कुल 10 लोग पूछताछ के दौरान प्रकाश में लाए गए हैं, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। परिवार के लोग अनभिज्ञ थे। परिवार के लोगों को इस बात का पता नहीं था कि उनके बच्चे घर से निकलने के बाद क्या कुछ करते हैं। यही वजह थी कि जब पुलिस ने इन रंगबाजों को पकड़ा, परिवार के लोग थाने पर इकट्ठा हो गए थे। अपने बच्चों को छुड़वाना चाहते थे लेकिन मामला गोली मारने से जुड़ा था, संगीन अपराध था, इसीलिए पुलिस ने किसी को छोड़ा नहीं। थाना हरी पर्वत क्षेत्र में बर्थडे पार्टी में विवाद हुआ था। विवाद के बाद एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। रंगबाजी गुटबाजी इसी के चलते विवाद हुआ था और गोली मार दी गई थी। 10 लोगों का नाम सामने आया था, 8 गिरफ्तार कर लिए हैं। जिंदगी की अभी ABCD नहीं सीखी थी लेकिन रंगबाजी गुटबाजी ऐसी जो डॉन माफियाओं को भी पीछे छोड़ती, अपराध जगत में कदम रख दिया है। जिस तरीके से मामला सामने आया उसने परिवार के लोगों को परेशान कर दिया है। परिवार के लोग इस बात से परेशान हैं, आखिर उनके बच्चे, उनके लाडले किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उनके परिवार के लोगों को नहीं थी। परिवार के लोगों की हालत देखने लायक थी। वे चाहते थे कि किसी तरीके से उनके बच्चे बच जाएं। आम तौर पर परिवार के लोग अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कोई शिकायत करता है उसकी शिकायत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा इस दौर में प्रचलन है। कोई शिकायत करता है उल्टा शिकायतकर्ता पर ही परिवार के लोग हावी हो जाते हैं, जिसके चलते लोगों ने बच्चों की शिकायत करना भी बंद कर दी है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि बच्चे घर में सीधे दिखते हैं लेकिन जब सड़क पर पहुंच जाते हैं उत्पाती बन जाते हैं। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।